दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटर डैमेज मोबाइल के बारे में। देखिए आपका कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, सैमसंग हो, पोको हो, या तो शाओमी हो, एमआई हो, या तो कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, अगर आपके पास कोई भी कंपनी का मोबाइल है और पानी में गिर जाता है, बारिश में भीग जाता है, तो आप उसको कैसे सेफली बचा सकते हो, मतलब आप अपना मोबाइल को कैसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि आज का दिन हमारे पास जो है तीन मोबाइल आया, तीनों का तीनों जो है पानी में गिरा हुआ था। तीनों का तीनों मोबाइल बच तो गया, मतलब ऑन तो हो गया, लेकिन दोनों मोबाइल में खाली वॉश में ही ठीक हो गया, लेकिन तीसरा मोबाइल में उसका डिस्प्ले भी चेंज करना पड़ा। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है आप अपना मोबाइल को बारिश में या तो पानी में कहीं पे जा रहे हो तो आप उसको कैसे सेफ रख सकते हो, और अगर आपका मोबाइल बाय चांसली पानी में गिर भी जाता है, बारिश में पूरा भीग भी जाता है, क्योंकि आप हमेशा तो अम्ब्रेला मतलब छाता तो कैरी करके लेके नहीं जा सकते हो, कहीं पे भी जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, बारिश हो गया तो अचानक जो है आपका मोबाइल पूरा भीग जाता है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, घर में कैसे ठीक कर सकते हो, या तो आप अगर रिपेयरिंग शॉप में लेके जाओगे तो उसको क्या करना है, कितना पैसा खर्चा होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल्सली बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों का मोबाइल पानी में गिर के बारिश में भीग के खराब हो जाता है, तो इसीलिए क्योंकि हमारा इधर अभी बारिश चल रहा है, हर किसी जगह में ये बारिश का मौसम है, हर किसी जगह में बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है, किसी ना किसी का मोबाइल खराब हो रहा है, और किसी किसी का मोबाइल पानी में गिर के टोटली डैमेज हो जाता है, किसी का डिस्प्ले चल जाता है, किसी का मदरबोर्ड चल जाता है। तो उसी चीज के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आपका कोई भी मोबाइल है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो एकदम स्किप मत करो, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है, अगर आपका मोबाइल पानी में गिरे, बारिश में भीगे, तो कैसे ठीक करना है इस वीडियो में डिटेल्स भी बताऊंगा। वीडियो को एकदम स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल सोच लो बारिश में भीग गया या तो पानी में अचानकली गिर गया, तो आप पहले क्या करना है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए एक वाटर पैकेज आता है कि आप मोबाइल को वाटरप्रूफ बना सकते हो, ज्यादा नहीं 40-50 रुपए का है। हो सके बारिश का मौसम में अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो ऐसा एक पैकेज ले लो और उसके अंदर मोबाइल डाल दो, 50 रुपया में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल एकदम सेफ रहेगा इसमें, अगर पानी में गिर भी जाता है तब भी इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा। ये हो गया पहला। दूसरा चीज है, अगर आपका मोबाइल पानी में गिर चुका है और आपका मोबाइल अभी भी चल रहा है तो उसको एकदम मत चलाइए, पहले अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए। देखिए अभी 99% मोबाइल फिक्स बैटरी वाला है, आप उसको खोल के उसका बैटरी नहीं खोल सकते हो, तो पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल को एक मतलब डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देना है। अगर आपका मोबाइल रिमूवेबल बैटरी वाला है, जैसे कि सैमसंग J7 पहले आता था, और बहुत सारा पुराना मॉडल जो है फिक्स बैटरी नहीं है, रिमूवेबल बैटरी वाला आता है, अगर आपका रिमूवेबल बैटरी वाला है तो तुरंत उसका बैटरी खोल दीजिए। और अगर आप टेक्नीशियन मतलब आपको मोबाइल के बारे में कुछ मालूम है, उसका पीछे का ढक्कन खोलना आता है, तो आप अगर घर में स्क्रूड्राइवर कुछ भी है तो आप तुरंत ही अपना मोबाइल का खोल के उसका बैटरी का कनेक्शन खोल दो। ये हो गया पहला स्टेप, अगर आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है या तो बारिश में भीग जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका मोबाइल पानी में गिर चुका है, आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप अपना मोबाइल को ठीक करना चाहते हो, घर में आपका रिपेयरिंग शॉप बहुत दूर है, बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, वो करो। देखिए कोई हेयर ड्रायर या तो कुछ भी यूज मत करना, क्योंकि पानी जितना अंदर जाएगा आपका मोबाइल उतना ज्यादा खराब होगा। आपको एक छोटा सा उपाय लगाना है, एक 100 वाट का बॉल, या तो ये जो अभी LED बॉल आ रहा है ना, उसको पूरा सटा के, देखिए उसको एक बॉल को ऐसे सटा के पीछे के तरफ एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक जगह में ऐसे करके रख देना, थोड़ा थोड़ा देर में, आधा आधा घंटा में लाइट जो है चेंज करना, हैंग कर देना, ऐसे ऐसे हैंग कर देना एक एक जगह में, मोबाइल को थोड़ा थोड़ा सरका के मोबाइल एकदम गर्म होने देना, और धीरे 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 वो अंदर में जो पानी गया है, जो भी आपका मोबाइल है जिसके अंदर जहां जहां से जाने का रास्ता है, देखिये ये जो है ईयरफोन चार्जिंग जैक, ये जो ईयर स्पीकर, इसमें से पानी अंदर चल जाता है, तो उस जगह में थोड़ा ज्यादा टाइम रखिएगा, इस जगह में थोड़ा ज्यादा टाइम रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे गर्म होके वो जो पानी है वो सूख जाएगा। तब क्या होगा, हो सके कि अगर आपके पास 100 वाट का बल्ब हो, जल्दी हो जाएगा, एक दो घंटे में ही आपका मोबाइल के अंदर जो भी पानी गया है सूख जाएगा। लेकिन अगर LED बॉल है वो ज्यादा इतना गर्म नहीं होता है, तब भी गर्म तो होता है लेकिन इतना ज्यादा गर्म नहीं होता है, तो लग सके कि आपको एक दिन जैसा लग जाएगा, उसको ऑन मत करना, क्योंकि अगर आप ऑन करते हो जहां जहां पानी गया है वहां वहां जो है वो मॉइस्चर हो जाएगा और वो कंपोनेंट धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो कोशिश करना तुरंत ही मोबाइल बंद करके एक 100 वाट बॉल या तो बड़ा वाला LED बॉल जो है उसको लगा के ऐसे धीरे धीरे करके आधा करके सुखा देना, हो सके एक दिन लगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसको सुखा देना,
सुखाने के बाद उसके बाद दिन आप अपना मोबाइल को ऑन कर सकते हो। अगर उसको करने के बाद भी आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो ज्यादा कुछ छेड़खानी मत करो, चार्ज में नहीं बैठाना। पहला चीज आपको बता रहा हूं, एकदम चार्ज में नहीं बैठाना। अगर आप पानी में गिरने के बाद चार्ज में बैठा लेते हो तो आपका मोबाइल बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस होता है, तो एकदम चार्ज में नहीं बैठाना। हो सके अगर आपका नियर बाय में रिपेयरिंग शॉप है उसके पास ले जाओ और उसको बोलो कि मेरा मोबाइल पानी में गिर गया, वॉश कर दो। वो तुरंत ही वॉश कर देगा, 100-200 रुपया लेगा, आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको दूसरा कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो तरीका बताया, अगर आपके पास मतलब रिपेयरिंग शॉप नहीं है तभी ये करना, अगर रिपेयरिंग शॉप है 100-200 भले ले, लेकिन आपका मोबाइल एकदम सेफ रहेगा। किसी भी रिपेयरिंग शॉप में जाके वॉश करा लो, आपका मोबाइल बिल्कुल ही सेफली बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। अगर आपका मोबाइल पानी में नहीं गिरा है तो ऐसे पाउच यूज करो, और अगर आपका पानी में गिर गया है, अगर आपका रिपेयरिंग शॉप बहुत दूर है तो क्या करना है, और अगर रिपेयरिंग शॉप बगल में है तो दिखा के कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।